सामने वाली लड़की ने देखा, उसने क्या बताया कि वो कहती कि पहले मैं आपको देखूंगी कि आप में इंसानियत है और आप 4 रातों से सोया नहीं हुई आंखें देखो मेरी, 3-4 रातों से सोया नहीं हुई आंखें देखो। बच्चे की केयर करते हैं ना, वैसे इधर की लड़कियों की केयर करते हैं। फिर आपके बच्चे हैं, फिर उनके भी आगे से हम इंटरव्यू करेंगे। आप ही के हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये उन छड़े छांटों के लिए वीडियो है जो लड़के भी इस वक्त जिनकी शादी नहीं हुई, तो उनके लिए स्पेशली वीडियो है। भाई ये मेरे साथ हमारे भाई मौजूद हैं जो कि हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, ये मेरे कुलीग भी हैं, घर में हम इकट्ठे रहते हैं। ये भाई माशाल्लाह से जॉब कर रहे हैं एक होटल के ऊपर, चाइनीज़ होटल है और बहुत ही एक्सपेंसिव होटल है वहाँ पर, मतलब कस्टमर बहुत ज़्यादा वहाँ पर आते हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी वहाँ पर डिशेज़ हैं। अब इस भाई को कितनी देर होगी जॉब करते हुए वहाँ पर? तकरीबन एक महीने कितने महीने हो गए? 3 महीने कम से कम। सिर्फ 3 महीने हो गए हैं कम से कम काम करते हुए। अब मैं ये वीडियो खुद भी बना सकता था, मैंने सोचा क्यों ना भाई को साथ बिठा के बताएं आपको कि हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है। जो दोस्त भी शादी करना चाह रहे हैं यूरोप के अंदर कहीं भी, देखें एक तरीकाकार होता है कि कहीं किसी को वैसे मिल जाए, किसी की बात हो जाए। दूसरा तरीकाकार क्या है कि वो ये है कि जब भी आप किसी होटल पर काम करते हैं तो होटल के ऊपर ऑलमोस्ट वहाँ पर 4 से 5 लड़कियां वहाँ पे काम कर रही होती हैं, तो इनके साथ भी जॉब कर रही हैं वहाँ पे लड़कियां, ये पहले से कर रही थी, लेकिन जब ये वहाँ पे गए तो इन्होंने अपना आप दिखाया, ये माशाल्लाह हैंडसम लुकिंग गुड नाइस गॉर्जियस। और जैन क्या मतलब सीन हुआ, कैसे ये सारा कुछ हुआ? कुछ नहीं, बस एक दिन काम कर रहे थे, मैंने उसे बोला कि मैं आपको पसंद करता हूँ। ऐसे ही करते करते आहिस्ता आहिस्ता उसने बोला है आहिस्ता आहिस्ता देखूंगी आपको अगर आप मेरे लिए ठीक हो। अच्छा तो ठीक है, नहीं हो तो आपको ख़त्म करूंगी। बीच में एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि उसकी और मेरी लड़ाई हो गई, कहती आप नहीं ठीक हो। फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता करते 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 आखिरकार उसने मुझे पसंद कर ही लिया। बड़ा हरामी हो बेटा, और मेरी शादी हो गई। तो ये जनाब एक छोटी सी स्टोरी है कि ये एक हकीकत है कि जब भी अक्सर जो लोग इटली में भी यहाँ पे जो होटल्स पे काम करते हैं, जो लोग कर रहे हैं या जो लोग भी करते हैं, देखें वहाँ पे मोस्टली वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं इटालियन होती हैं या दूसरी कंट्री से वहाँ पे आके काम कर, इटली में आके काम कर रही होती हैं, तो ये एक नॉर्मल बात है कि आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है और लड़की और लड़के की सेटिंग हो जाती है और प्यार और जना कोई पाकिस्तान के लिए कोई छोटी बात, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन सामने वाली लड़की ने देखा, उसने क्या बताया कि वो कहती है कि पहले मैं आपको देखूंगी कि आप में इंसानियत है, आपके अंदर वो इखलाक है कि आप एक फैमिली पर्सन हो, कि अच्छे तरीके से ट्रीट करते हो, ख्याल रख सकते हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें इस लड़के ने करके दिखाई हैं। तो अभी इस वक्त वो लड़की मेरे मुताबिक जो है ना इनके पीछे पड़ी हुई है शादी करने के लिए। कुछ ये कहना चाह रहे, इंदर की लड़कियों की केयर बहुत करनी पड़ती है भाई मेरे, ये पाकिस्तानी लड़कियां नहीं हैं, तुमसे ना हो पाएगा। इन लड़कियों को इतनी सी भी बात दूसरी लड़की को देखना भी एक बार नहीं समझती, इन लड़कियों की केयर आपको बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ मुझे पता है मेरे साथ क्या बनी हुई है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? 3-4 रातों से सोया नहीं हुई आंखें देखो मेरी, 3-4 रातों से सोया नहीं हुई आंखें देखो मेरी। इनकी केयर बहुत करनी पड़ती है, यानी कि इनकी केयर इस तरह से करनी पड़ती है कि भाई टाइम जैसे छोटे बच्चे की केयर करते हैं ना, वैसे इधर की लड़कियों की केयर करनी पड़ती है, ये आप याद रखना। टाइम देना पड़ता है भाई यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। वो क्या समझ ना कि इश्क मोहब्बत में फिर ना रात देखी ना दिन देखा, तब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो इस तरह से भाई टाइम देना पड़ता है, ये एक मोहब्बत की एक दास्तान है कि देखें जब भी कोई आता है यहाँ पे आके शादी करना चाहता है, तो ये भी एक आसान रास्ता आपके सामने है कि अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो होटल पे काम कर लें, वहाँ पे आपको कोई मिल जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है, तो आपके बारे नज़ारे सीन सारा पार्ट हर तरह के आपके लिए वहाँ यहाँ पे सहूलियत हो सकती है, लेकिन ये बात है नसीबों की, ये बात भी याद रखें, बात है नसीबों की, जो जिसको पसंद आ जाए। तो ये हमारे साथ आज भाई थे, माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और हमारी भाभी को भी खुश रखे। तो अल्लाह पाक करम करे भाई, अल्लाह पाक और दे दे तरक्की दे, छोटे छोटे फिर आपके बच्चे हैं, फिर उनके भी आगे से हम इंटरव्यू करेंगे, बच्चे भी आ जाएंगे। वेल ये थी छोटी सी वीडियो, होप्स हो कि आपको अच्छी लगी होगी, मज़ेदार है, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।